सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बतावल जा रहा छी बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं के मैथिली के दोसर चैप्टर जिनक नाम अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। हिनकर लेखक अछि भोलालाल दास जी। तो पाठ के स्टार्ट करे से पहले लेखक के बारे में जानकारी जरूर रहबाक चाही, क्याकि लेखक के बारे में भी पूछल जाय छै। तो देखियो लेखक के परिचय के बारे में अगर बात करी तो मातृभाषा अनुरागनी भोलालाल दासक जन्म दरभंगा जिला के कसरौर ग्राम में 1897 ईस्वी में भेल छलनी। पिता चुआलाल दास, माता सकलवती देवी। हिनक शिक्षा मातृक महिषी सहरसा में भेलनी। तो मातृक महिषी मतलब मामा गांव जे महिषी जे सहरसा जिला में ओहिठाम भेलन। एहिके बाद भागलपुर से बीए आ इलाहाबाद लॉ कॉलेज से एलएलबी कलन। 1925 ईस्वी से लहरियासराय दरभंगा में वकालती आरम्भ कलन। कहिया से तो 1925 ईस्वी से। हिनक मृत्यु 1977 ईस्वी में भेलनी। एहिके बाद एकर जे प्रमुख रचना अछि ओ व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि। तो गद्य कुसुमांजलि इम्पोर्टेंट है, तो अहाँ सब इके याद रखब कि गद्य कुसुमांजलि के लेखक के अछि तो भोलालाल दास जी। एहिके बाद पाठक सारांश के बारे में अगर जानकारी लऽ ली तो पाठक सारांश के बारे में अगर राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अगर पूछ देल जाए तो केना अहाँ डिफिनेशन एकर दऽ सकै छी। जै भाषा में हमरा लोकनी अपन मायक संग बजै छी, समाजक संग बजै छी, एकटा सीमित क्षेत्र में राजकाज करै छी, ओ भेल मातृभाषा। तो मातृभाषा के अगर डिफिनेशन पूछते तो एहि प्रकार से अहाँ कहि सकै छी कि जै भाषा के माध्यम से हमरा लोकनिक अपन मायक संग बजै छी, अपन समाजक संग बजै छी, अपन एगो क्षेत्र सीमित क्षेत्र में अपन जे राजकाज होइ छै ओहि भाषा के माध्यम से करै छी तो वो भेल मातृभाषा। एहिके बाद अगर चर्चा करत राष्ट्रभाषा के तो राष्ट्रभाषा जही भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्रक कामकाज चलत अछि आ संपूर्ण राष्ट्रक में अपन भाव संप्रेरण कऽ सकै छी ओ भेल राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा ओकरा कहल जाइ छै। तो अहाँ सबके ये डेफिनेशन सही तरह से याद रहबाक चाही। एहिके बाद देखियो संपूर्ण राष्ट्रक अपन अपन एकटा राष्ट्रभाषा होइत अछि, जेना भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी, इंग्लैंड के राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, ओनाहिते नेपाल के राष्ट्रभाषा नेपाली आदि सब सबक राज्य के अपन अपन राष्ट्रभाषा होइत अछि। एहिके बाद देखियो एहिमे एकटा संपूर्ण राष्ट्र जे छै राष्ट्र में राज होइ छै, तऽ राज्य में जे छै क्षेत्र होइ छै, क्षेत्र में अलग अलग भाषा होइ छै। जेना भारत छै तऽ भारत के एगो क्षेत्र मिथिला छै, तऽ मिथिला में जे एकर मातृभाषा है वो मैथिली छै। तेनाहिते तमिलनाडु में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। एहिके बाद देखियो कन्नड़ एहिठाम नहि लिखल छै, कर्नाटक लिखा गेल छै, तऽ अहाँ सब कन्नड़ लिख लेब। एहिके बाद बंगाल में बंगाली आदि सब जे छै एकर मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा एकेटा हिंदी छै भारत के, ई अहाँके याद रहबाक चाही। तो आप चलू पार्ट से रिलेटेड जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओहि सबके बारे में चर्चा कऽ दी अहाँ सबके बीच, ताकि एग्जाम में अभी वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अहाँ सब गलती नहीं करबै। तो देखियौ पहिल क्वेश्चन अछि अनेकता में एकता कोन देश में अछि। तो ई सब अहाँके जानकारी जरूर होयत, आ नहि जानकारी हुए तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर हेतै। अनेकता में एकता जे छै अपना देश भारत में होइत अछि। एहिके बाद देखियौ दोसर नंबर क्वेश्चन अगर पूछल जाय राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचयिता के अछि, तो ओकर आंसर अहाँ सबके भली भांति आब याद भऽ गेल होयत कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के जे लेखक अछि वो भोलालाल दास अछि। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर हेत। एहिके बाद देखियौ तीन नंबर क्वेश्चन अछि मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा अछि। तऽ ई जानकारी अहाँ सबके हेबाक चाही कि मैथिली मिथिला में लोकक मातृभाषा अछि, ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद चारि नंबर क्वेश्चन अछि त्रिभाषा सिद्धांतक योजना कोन राष्ट्रपति के अध्यक्षता में भेल। तऽ ई जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही कि राष्ट्रपति जखन डॉक्टर जाकिर हुसैन रहलनि 1965 के लगभग, तो ओहिके ओकरे अध्यक्षता में जे छै ओ त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के गठन भेल। तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद देखियौ पाँचम क्वेश्चन अछि भोलालाल जी के जन्म कोन जिला में भेल। तो ई जानकारी अहाँ सबके हम पहले दऽ देने छी लेखक के परिचय में कि भोलालाल दास जी के जन्म दरभंगा जिला के कसरौर गाम में भेल। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत, दरभंगा। एहिके बाद देखियौ छः नंबर क्वेश्चन अछि सरकारक नज़र में हिंदी आ मैथिली में कतेक अंतर अछि। तो ई जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही कि सरकारक नज़र में जे छै हिंदी और मैथिली में वर्तनी के अंतर अछि। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भऽ जायत, वर्तनी के। एहिके बाद सातम नंबर क्वेश्चन अछि कोन ईस्वी सँ हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ गेल। तो एकर जे आंसर भऽ जायत वो ऑप्शन
बी एकर सही आंसर भऽ जायत कि 1965 ईस्वी सँ जे छै हिंदी समस्त भारतीयके राष्ट्रभाषा भऽ गेल। एहिके बाद देखियौ 8 नंबर क्वेश्चन अछि, निम्न सँ कोन योजना त्रिभाषा सिद्धांतक योजनाक अंतर्गत अबैत अछि? तऽ निम्नमे सँ जे छै वर्धा योजना जे छै ओ त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के अंतर्गत अबैत अछि, एहिके बारेमे अहाँ सबके पहिले हम जानकारी दऽ देलहुँ। तऽ ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत, वर्धा योजना। एहिके बाद 9 नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन अछि, गद्य कुष्माञ्जलि किनकर रचना अछि? तब लेखकके परिचय के बारेमे हम इहो चीज बतेलहुँ कि एकर प्रमुख जे रचना अछि ताहि सबके बारेमे। तऽ गद्य कुष्माञ्जलि किनकर रचना अछि? तो भोलालाल दास जी के। तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत, भोलालाल दास। एहिके बाद चलू पार्ट से रिलेटेड जते भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि एहि सबके बारेमे अहाँ सबके जानकारी दऽ दी। तो पार्ट से रिलेटेड में दुगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै वो इम्पोर्टेंट छै, तऽ अहाँ सब जरूर याद रखब। ताहिमे पहला अछि वर्धा योजना की थिक, अर्थात वर्धा योजना केकरा कहल जाइ छै? तो एकरा एहि प्रकार से याद रखबै, डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण भेल जकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। एहिके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जे पूछल जायत कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू, तऽ अहाँ कुछ इस प्रकार से स्पष्ट कऽ सकै छी कि शिक्षा पद्धति निर्माणक लेल एकटा समिति का निर्माण कयल गेल, तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल जे वर्धा योजना नाम सँ प्रसिद्ध भेल। एकरा अनुसार राजक काज मातृभाषा में होयबाक चाही, वर्धा योजना के अनुसार जे राजक काज छै वो मातृभाषा में होयबाक चाही आ मातृभाषा विकास करक चाही, देशक काजक लेल राष्ट्रभाषा का प्रयोग होयबाक चाही आ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक लेल अंग्रेजी महत्वपूर्ण होइ छै, तैं शिक्षा के माध्यम में छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा का चयन कऽ शिक्षा पाबि सकैत अछि, एतेक तऽ सुविधा होयबाक चाही। तो एहि दुआरे राज्य में अपन अपन जे मातृभाषा है ताहि के अनुसार कामकाज करबाक चाही। ओहिके बाद अगर राष्ट्र के बाद कामकाज हेतै तऽ राष्ट्र में कामकाज कैसे करबाक चाही? तो अपन अपन राष्ट्रभाषा जे होबाक चाही ओहिसे करबाक चाही, जेना भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कामकाज अगर हेतै तऽ अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी महत्वपूर्ण अछि, एहि दुआरे अंग्रेजी में कामकाज अंतर्राष्ट्रीय में भऽ सकैए। तो एहि वीडियो में अतबैक, मिलै छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।